नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं यूनिवर्सल न्यूज़ टाइमलाइन के साथ। महाराजा हरि सिंह के जन्मदिवस पर छुट्टी की घोषणा को लेकर एक लंबा जो जद्दोजहद थी वो अभी तक चल रही थी, लेकिन अभी तक वो छुट्टी जो है वो घोषित नहीं की गई है। आपको बता दें कि भाजपा पीडीपी की सरकार यहाँ पर रही, लेकिन जब भाजपा के नेताओं से बात होती थी तो भाजपा के नेताओं का ये कहना था कि वो तो छुट्टी करवाते, लेकिन पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो वहाँ पर लोग थे उन्होंने अड़ंगा बीच में डाल दिया, नहीं तो छुट्टी उस समय घोषित हो सकती थी। और उसके बाद अगर जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की बात करें तो यहाँ पर जिस तरह से हाउस लगा दो दिन पहले, और उस हाउस में एक जो रेजोल्यूशन था वो वहाँ पर लाया गया महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी को लेकर, और वो पास भी हुआ, सर्वसम्मति से पास हुआ। उसमें कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और जो इंडिपेंडेंट कॉरपोरेटर्स थे उन्होंने अहम भूमिका निभाई वहाँ पर, और उसको पास जो है वो करवाया। लेकिन इस बिल को लेकर कौन आया? वार्ड नंबर 3 के कॉरपोरेटर नरोत्तम शर्मा जी, इनसे हम चर्चा करेंगे। सर, जिस तरह से एक लंबे समय से मांग चल रही थी, लेकिन आपने ये सोच कहाँ से लाई कि कॉरपोरेटर तो और भी थे, जो काम नेता नहीं कर सके वो काम आपने कर दिखाया, जो बड़े दिग्गज नेता नहीं कर सके? ऐसा कुछ नहीं है जी, मैं आपको बताऊं कि चूंकि मैं बीजेपी से बिलोंग करता हूं, मैं बीजेपी का कॉरपोरेटर हूं। बीजेपी का शुरू से ही मांग रही है कि महाराजा हरि सिंह के जो जन्मदिवस के उपलक्ष्य के ऊपर उनके सम्मान के रूप में छुट्टी होनी चाहिए। तो प्रयास पहले भी हुए हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कश्मीरी जो लोग थे, कश्मीरी हुक्मरान जो थे, उनके दबाव के कारण ये बिल जो था असेंबली में पास नहीं हो पाया था। तो चूंकि आज मैं इलेक्टेड कॉरपोरेटर हूं, तो मेरा दायित्व बनता था, मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं भी समाज के लिए कुछ करने की इच्छा है, कुछ चेष्टा थी, उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये अपना रेजोल्यूशन जो था महाराजा हरि सिंह जी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य के ऊपर, जो कि हालांकि दिनों में आने वाला है 23 सितंबर को, के एक सम्मान के रूप में छुट्टी की घोषणा की जाए। सर, क्या लगता है आपको, जिस तरह से उस समय तो चलो यहाँ पर सरकार थी, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता जो थे वो बीच में आ गए, अब यहाँ पर राष्ट्रपति शासन है, राज्यपाल सब कुछ देख रहे हैं, क्या उम्मीद है आपको कि अब छुट्टी होगी? बिल्कुल, मुझे रवि जी बिल्कुल उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि ऑनरेबल गवर्नर साहब से जो एक लोकतांत्रिक तरीके से जो हमने पहला पड़ाव पार कर लिया है, अभी दूसरा पड़ाव जो है ऑनरेबल गवर्नर साहब के समक्ष रहेगा। अब उनकी जिम्मेदारी है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ऑनरेबल गवर्नर साहब देशभक्त जनता के साथ हैं, जम्मू के डोगराओं के साथ हैं, जम्मू के डोगराओं के सम्मान के साथ हैं। मुझे लगता है कि उनको इस गहन चिंतन करने के बाद जो है इस मांग को स्वीकार करेंगे। सर, बड़े बड़े नेताओं की बात करें भारतीय जनता पार्टी के, और जो कॉरपोरेटर्स की बात करें तो बहुत से कॉरपोरेटर्स भी जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के जीतकर यहाँ पर आए हैं, क्या ये बिल जो रेजोल्यूशन जो आपने यहाँ पर लाया वो आपकी अपनी सोच थी, या किसी ने आपको कहा कि आप ये बिल जो है रेजोल्यूशन जो है वो लेकर आए? रवि जी, किसी का कहने का तो स्वभाव ही नहीं है, क्योंकि हम लोग जो हैं राजनीति में पिछले मतलब मुझे लगता है 20-25 सालों से हैं, तो हमें कौन से मुद्दे, कौन से जो जम्मू के हित में, डोगरों के हित में हमें पता होते हैं, हमें भी संगठन की जो वर्कशॉप होती है हमें सिखाया जाता है और हमें पता भी है, तो इसलिए मन में एक था कि मतलब जम्मू के लिए कुछ करना है, डोगरों के लिए कुछ करना है, तो इसलिए उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने अपनी जिम्मेदारी जो है उसका निर्वाह किया है। सर, यहाँ पर कश्मीरी, क्योंकि ये सवाल हमने बाकी लोगों से भी पूछे हैं, आपसे भी ये सवाल पूछेंगे क्योंकि आप ही वो रेजोल्यूशन जो है वो लेकर यहाँ पर आए हैं। देखिए, महाराजा हरि सिंह जी की जब छुट्टी होती है, छुट्टी जिस दिन जन्मदिवस होता है, छुट्टी तो हालांकि नहीं हुई, आवाज़ें बड़ी उठी, ये आवाज़ें सिर्फ जम्मू से उठती हैं, कश्मीर से कभी ये आवाज़ नहीं उठी, और जम्मू के लोगों ने अगर ये आवाज़ उठाई तो कश्मीरी जो हुक्मरान थे जिनकी ये जिम्मेदारी बनती थी कि वो इनका साथ दें इस छुट्टी को लेकर, वो सामने नहीं आए। लेकिन अगर धारा 370-35 ए की बात चलती है तो उस समय कश्मीरी नेताओं को ये याद आ जाता है कि महाराजा हरि सिंह द्वारा ये यहाँ पर लाया गया था और इसको इसके साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। लेकिन उन्हीं महाराजा की जब छुट्टी आती है, बात छुट्टी पर आती है, उनके जन्मदिवस आता है, तो वो सारे खामोश हो जाते हैं, वो आपका साथ नहीं देते, उन नेताओं से क्या कहना चाहेंगे आप? मैं उन नेताओं से यही कहना चाहता हूँ कि हम चूँकि यहाँ पे कश्मीर वर्सेस जम्मू रहा है मोस्टली, आपने देखा होगा, चाहे हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें, पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें, किसी भी एम्प्लॉयमेंट की बात करें, तो हमेशा ही जम्मू की हमेशा अनदेखी हुई है कश्मीरी नेताओं द्वारा। लेकिन ठीक है, वो अपना काम करने का तरीका है, लेकिन मैं कहता हूँ, मेरा इतना मानना है कि आज हम पूर्ण बहुमत में हैं यहाँ पे म्युनिसिपैलिटी में,
हमारे कॉरपोरेटर हैं दो तिहाई बहुमत से कॉरपोरेटर हैं कि हमें आज समाज में भी जवाब भी देना है और कुछ करना भी है। तो इसलिए मुझे लगता है कि मैं उन लोगों को यही कहना चाहता हूं कि आपको भी मतलब देशभक्त जनता जो है जम्मू की डोगरों के साथ रहना चाहिए। देखिए महाराजा हरि सिंह जी का जो मतलब एक मतलब योगदान है इस समाज के लिए, विशेषकर डोगरा योगदान समाज के लिए असराहनीय है, प्रशंसनीय है। आज हमारा अस्तित्व जो है, हमारे बच्चों का अस्तित्व जो है महाराजा हरि सिंह जी का कारण है। इस प्रदेश का जो देश के साथ विलय हुआ था वो महाराजा हरि सिंह जी के कारण हुआ था। तो इसलिए हमें अपने मतलब ये जो क्या कहते हैं जो ये मतलब महाराजा जो होते हैं ऐसे लोग जो हैं जो जिनका समाज में योगदान है उनका योगदान कभी भूलना नहीं चाहिए। उनका योगदान के प्रति हमें भी कोई सम्मान दिखाना चाहिए। तो उसी सम्मान को ध्यान में रखते हुए हमने ये बिल पास मतलब मैंने करवाया है और मैं आगे भी आश्वस्त करता हूँ कि जम्मू के डोगरों के साथ, जम्मू के स्वाभिमान के साथ कोई भी ऐसी अनदेखी जो है हम नहीं करने देंगे। किसी भी हद तक जाना पड़े तो हम जाने के लिए तैयार हैं। सर जिस तरह से हाउस वहाँ पर लगा था और काफ़ी लोग जो हैं वो अभी भी नाराज़ हैं, आपके कॉरपोरेटर्स की बात करें तो उन्होंने ये कहा कि हमें लाइट्स नहीं मिल रही हैं, किसी ने कहा कि हमें फंड्स यहाँ पर नहीं मिल रहे हैं, किसी ने कहा कि भेदभाव जो है वो हो रहा है। आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और ज़्यादातर जो यहाँ मेयर भी भारतीय जनता पार्टी के हैं, डिप्टी मेयर जो हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी के, और आरोप कांग्रेस और इंडिपेंडेंट जो हैं वो लगातार ये लगा रहे हैं कि उनको अनदेखा किया जा रहा है, उनके साथ भेदभाव यहाँ पर किया जा रहा है। इस पर क्या कहेंगे आप? ऐसा है रवि जी, कुछ तकनीकी कारण रहते हैं। ऐसा है कि म्यूनसिपैलिटी के पास लाइट्स हैं, अब हाल ही में आई हैं तो मुझे भी शायद नहीं मिली हैं, लेकिन मैं टेक्निकल चीज़ समझ सकता हूँ। लाइट ऐसा नहीं है कि म्यूनसिपैलिटी के पास आई हैं तो मैं उठा के ले जाऊँ। उनका भी एक क्रम रहता है, उसका एक तरीका रहता है, कुछ एक मतलब उसको बोलते हैं के मतलब हर एक कॉरपोरेटर के मतलब हिस्से में कितनी आएंगी उसकी डिवीज़न हो जाती है। डिवीज़न के बाद में कंसर्न का जो हमारा वार्ड का जो सुपर लाइनमैन होता है उसको बुलाया जाता है, उसके नाम की लाइट्स लिखी जाती हैं और वो आंसरेबल रहता है लाइट्स कहाँ हैं। तो मतलब हमें भी कुछ टेक्निकल चीज़ें समझनी चाहिए। तो जहाँ तक मैं कहता हूँ, मेयर और डिप्टी मेयर साहिबा हमारे अपने आप में सक्षम उम्मीदवार है, सक्षम मेयर और डिप्टी मेयर जो है अपनी जिम्मेदारी को पूरी मतलब ईमानदारी से निभा रहे हैं। और ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, मैं अन्य कॉर्पोरेटर भाइयों से भी ये कहना चाहता हूँ कि आप भी थोड़ा धैर्य रखें। अभी तो देखिए इसमें मैं आपको बता दूं कि वहाँ पर जब हाउस लग रहा था तो कुछ आवाज़ें जो थी वो उठी, लेकिन वो आवाज़ें भारतीय जनता पार्टी के भी जो कॉर्पोरेटर्स हैं उन्होंने भी उठाई कि जितना उम्मीद उन्होंने की थी, जिस तरह से पहले कहा जा रहा था चुनाव से पहले कि इतने फंड्स मिलेंगे, उतने फंड नहीं मिल रहे, और लोग उनसे सवाल पूछते हैं और जितना फंड्स उनको मिल रहा है उतने फंड्स में वो लोगों का काम नहीं कर सकते। क्या जब ये वहाँ पर हाउस लगा था तो आपने मांग की कि जो ज़्यादा फंड्स हैं वो वहाँ पर दिए जाएं ताकि लोगों के काम जो हैं वो हो सकें? बिल्कुल रवि जी, निश्चित ये मांग हम सब लोगों ने उठाई है कि हमारे फंड जो हैं बढ़ाए जाएं। और परसों शायद रेजोल्यूशन जो पास भी किया गया कि कॉरपोरेटर के एक ही कॉरपोरेटर के जो डिस्पोजल पे एक साल का जो मतलब जो फंड है 1 करोड़ रुपये रखा जाए। अब जो है सरकार को लिखा जाएगा, सरकार ऑनरेबल गवर्नर साहब को लिखा जाएगा इसके बारे में। ऑनरेबल गवर्नर साहब जो है इसमें डिसीजन लेंगे, जो भी जो उचित निर्णय होगा वो हमारे समक्ष करेंगे। शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। जी हाँ, ये थे हमारे साथ नरोत्तम शर्मा जी जो कि कॉरपोरेटर है वार्ड नंबर 3 के, और इन्होंने ही वो रेजोल्यूशन जो है वो जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का जो हाउस था वहाँ पर लाया और वो हाउस जो था वो पास किया। और आपको बता दें कि बड़े बड़े नेता, जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बात करें तो जो बड़े बड़े नेता वो काम नहीं कर पाए जो एक कॉरपोरेटर ने वो रेजोल्यूशन लाया, और वह रेजोल्यूशन जो है वो पास हुआ है। और अभी क्या जो गवर्नर साहब हैं वो इस पर मोहर लगाते हैं या नहीं, क्या इस बार 2019 में जो कि 70 साल से मांग जो है वो चली आ रही है महाराजा हरि सिंह जी के जन्मदिवस पर छुट्टी की, क्या वो मांग जो है वो इस बार पूरी होगी या नहीं, कोशिश जो नरोत्तम शर्मा ने की है क्या वो कोशिश पूरी होगी या नहीं, ये तो फिलहाल समय बताएगा। फिलहाल इसी सवाल के साथ मैं आपको छोड़कर जा रहा हूँ। मुझे रवि शर्मा को दीजिए इजाज़त, मगर आप देखते हैं यूनिवर्सल न्यूज़ टाइमलाइन। नमस्कार।